सीमा जी प्रणाम। प्रणाम सर। तो सीमा जी आप किस काम को देख रही हो? सर मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा बूथ अध्यक्ष है। अच्छा सीमा जी आजकल कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है जी, तो इधर क्या मिलना जुलना अपने क्षेत्र के लोगों से हो पा रहा है? जी सर, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूला को अपनाते हुए हम सभी बने कोरोना के दौरान अपने बूथ के लोगों से बात करती रहती हैं। किसी की खांसी की आवाज आ रही है, कोई घर में बीमार है? नहीं सर ऐसा नहीं है। अच्छा सीमा जी आप जैसन बहनियन का ताकत हमार असली शक्ति हुए। आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज और देश भी खुश होता है। मातृशक्ति प्रसन्न है ना? जी सर बहुत प्रसन्न है आपसे। जी प्रधानमंत्री जी, हम सब बहुत खुश हैं और आप तो मातृशक्ति का इतना सम्मान करते हैं, अपने मातृशक्ति के विकास के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का उपहार दिया है। सर मेरे गांव में भी महिलाएं से बात होती रहती हैं, मेरी कई रिश्तेदार भी उधर रहती हैं। गांव में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने तो कमाल ही कर दिया है सर। पहले तो महिलाओं के नाम पर बैंक में खाता नहीं होता था, आज तो घर की रजिस्ट्री भी उनके नाम पर हो रही है। उन्हें पहले मालकिन ऐसे ही कहकर बुलाया जाता था, लेकिन आज तो घर की मालकिन भी बन गई हैं। जो आवास दिया गया है उसमें भी महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है, उज्ज्वला का कनेक्शन है, नल से जल आता है, बिजली है। सर अब महिलाओं को ना तो रसोई के धुएं से जूझना पड़ता है, ना ही पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का भी बहुत लाभ महिलाओं को मिल रहा है। सर सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। काशी समेत पूरे देश की महिलाओं के विकास के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं सर, इसके लिए हम सभी महिलाएं आपको बहुत बहुत आभारी हैं। सीमा जी आपने कहा कि ये काम मैंने किए हैं, मैं कहता हूं कि ये काम देश की माताओं बहनों ने किए हैं। उन्होंने सही फैसला लेकर, समझदारी से फैसला लेकर हमें सेवा का जो मौका दिया तभी तो काम हो पाए। पिछले 7 वर्षों में हमारी कोशिश रही है कि हमारी बहनों बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो। अच्छा मेरा एक आग्रह है जी सर, जो भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता को अवश्य करना चाहिए जी। आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं जी, स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बैंकों से जोड़े जी, उन्हें डिजिटल पेमेंट से जोड़े, आप देखिएगा ये बहुत बड़ा काम होगा जी। साथियों संवाद के लिए मुझे बहुत से कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप पर बहुत से सुझाव दिए हैं। समय की कमी की वजह से मेरे लिए सबके नाम लेना संभव नहीं है। नमो ऐप पर हमारे साथी कार्यकर्ता श्री रजत श्रीवास्तव जी ने वाराणसी की गलियों और सड़कों के तार का जंजाल खत्म होने के लिए आभार व्यक्त किया है। इस तरह रामभवन राय जी और दीपक गिरी जी ने स्वच्छता को लेकर अपने विचार रखे हैं और बनारस में हुए कार्यों की भी प्रशंसा की है। आपके माध्यम से मैं वाराणसी के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और सीमा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।